वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक राष्ट्र राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इनके आधुनिक विचार मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, जर्मनी, इटली और स्पेन में पैदा हुए हैं, परंतु पश्चिम की भौतिक व खंडित दृष्टि के कारण राष्ट्र और स्वतंत्रता के अर्थ बहुत संकीर्ण हो गए हैं। राष्ट्रों ने मानवता को विभाजित कर दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रों ने सीमित कर दिया है। प्राचीन भारत में भी स्वतंत्रता मर्यादाओं में बंधी थी, परंतु मर्यादा प्रेमी भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखते थे। वे इसे मोक्ष कहते थे। मोक्ष हर प्रकार के दुख की अत्यंत समाप्ति है, हर प्रकार की सीमाओं की समाप्ति है। प्रश्न यह है कि प्राचीन भारतीयों ने मानवता को विभाजित करने वाला राष्ट्र क्यों बनाया? क्योंकि मोक्ष एक तपस्या है और राष्ट्र उसकी तपोभूमि है। शरीर और राष्ट्र उस परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के साधन हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक साना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक साना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आज भूमंडलीकरण का युग है, राष्ट्र राज्य एक संकीर्ण विचारधारा मान ली गई है। पश्चिम में देशभक्ति एक भीड़ का उन्माद रही है, इसने धरती पर बहुत उत्पात मचाया है। लेकिन क्या भारत राष्ट्र भी ऐसे ही उन्माद से बना है? भारत का विचार बहुत पुराना है, ये श्लोक लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए ये कई पुराणों में आया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत है और इसकी संतान भारती। हिंदू अपने राष्ट्र को तब परिभाषित कर रहे थे जब इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन पैदा भी नहीं हुए थे। परंतु हिंदुओं की राष्ट्र परिभाषा भौतिक भूमि तक सीमित नहीं थी। राष्ट्र एक जीवित व्यक्तित्व है, भूमि उसका शरीर है, लोग उसका प्राण है और संस्कृति उसका मन है। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि आज की तरह खंडित नहीं थी,
वे जीवन के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक पहलुओं को एक साथ देखने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उदाहरण के लिए स्नान को लेते हैं। नित्य स्नान करना हिंदुओं की सबसे प्राचीन निरंतरता है। शरीर की केवल भौतिक सफाई स्नान नहीं है। सफाई के लिए तो इस मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बाहर छोटी छोटी कोठरियां बनी थी। स्नान दैविक क्रिया है। जल का देवता वरुण है। जल पवित्र माना गया है। इससे आत्मा का अभिषेक किया जाता है। यही स्नान है। योग में इसका आध्यात्मिक रूप शौच है। स्नान के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक रूप हैं। बहता जल सर्वाधिक पवित्र होता है। स्नान करते समय लोग भारत की सभी मुख्य नदियों का स्मरण करते आए हैं। स्नान के बाद सुबह शाम संध्या करते हैं। इसमें भारत का नाम अपने नाम के साथ लिया जाता है। किसी अन्य देश का नागरिक शायद ही अपने देश को इस तरह अपनी नित्य साधना का हिस्सा बनाता हो। भारत के भी तीन अस्तित्व हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। भारत भूमि केवल भौतिक परमाणुओं से नहीं बनी है। इसमें एक चेतन प्राण धारा है जो कुंडलिनी की तरह सजग है। शरीर में एक सर्पाकार प्राणिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये यहाँ रहती है। योग साधना या तपस्या द्वारा उसे वहां ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर ही वह अपनी साधना को पूर्ण करती है। योगियों ने इस विरह और मिलन के बहुत प्यारे गीत गाए हैं। अब जरा भारत के भूगोल का वर्णन करने वाले इन श्लोकों पर ध्यान दें। कुमारी से लेकर गंगा के उद्भव तक भारत है। यहाँ एक कुमारी लगातार तपस्या कर रही है। इसका लक्ष्य है यहाँ बैठे आदि योगी से मिलन। शिव पार्वती के इस रूपक में धरती के इन दो छोरों के बीच बहने वाली प्राण धारा का संकेत है। इसमें योग की कुंडलिनी है। कुंडलिनी के अलावा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनसे शरीर में जीवन बना रहता है। धरती भी निर्जीव नहीं है। ये नदियां नहीं, उसके शरीर में बहती नाड़ियां हैं। फिर भारत की नदियां तो योग साधना से प्रकाशित रही है। जैसे शरीर में योग की इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बह रही है, वैसे ही भारत में कभी गंगा, यमुना और सरस्वती बहती थी। कुंडलिनी की नाड़ियां जहां मिलती है, वे स्थान चक्र कहे गए हैं। वहां विशेष बोध शक्तियां हैं। भारत की नदियां जहां मिलती है, वे स्थान प्रयाग कहे गए हैं। भारतीयों को बोध की प्राप्ति नदियों के संगम पर ही हुई थी, ऐसा वेद कहता है। शरीर का पोषण भूमि से होता है, उसे भूमि जैसा ही होना चाहिए। योग के ग्रंथ शरीर में देश बताते रहे हैं और योगी देश में शरीर ढूंढते रहे हैं। हमारे शरीर व अंतःकरण से ही देश और समाज बनता है। जैसे जरा सी असावधानी से भांडा टूट जाता है, शरीर छूट जाता है, वैसे ही सोए हुए लोगों का राष्ट्र टूट जाता है।
आत्मोद्धार के लिए जागृत रहना है। मंगोलों से पहले उतने ही भयानक हूण थे, वे पृथ्वी पर विनाश ला रहे थे। उनको हराकर मार डालने वाले गुप्त सम्राट बलादित्य ने स्वयं को पृथ्वी का उद्धार करता माना। लेकिन पृथ्वी का उद्धार अंतिम लक्ष्य नहीं है, आत्मिक उद्धार सर्वोपरि है। परिवार के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, गांव के लिए परिवार को और जनपद के लिए गांव का त्याग कर दे, लेकिन आत्मोत्थान के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर दे। प्राचीन भारत के ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रवाद पर आत्मोत्थान का अनुशासन है। आधुनिक राष्ट्रवाद एक वाद है, ये भीड़ का उन्माद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रभक्ति भक्ति है। राष्ट्रभक्ति को अगर पैट्रियोटिज्म समझ लिया तो भारत को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति को आजकल अंधानुकरण कहा जा रहा है, ये मानव का सबसे प्राचीन और तार्किक दर्शन है। भक्ति का अर्थ है उपासक उपास्य का भाग बन जाए, ये भक्त है। जो भाग नहीं बन सकता वो विभक्त है। जो विभक्त हो गया वो टूट गया, जो टूट गया वो खंडित हो गया। भगवान से खंडित हो गया, अस्तित्व से खंडित हो गया, ये एक पक्ष है। स्वयं में खंडित हो गया, ये दूसरा पक्ष है। कौन सी पंक्ति है वो? मानव के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की पहली पंक्ति में भक्ति ही है। अग्नि मीले पुरोहितम, और उसका अर्थ मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। जो अग्नि मैं स्वयं हूं, मैं पुरोहित हूं, स्तुति अग्नि की कर रहा हूं, लेकिन अग्नि मुझसे भिन्न नहीं है, मैं विभक्त नहीं हूं। जो पुरोहित है, उपासक है, भक्त है, किसका भक्त है? अग्नि का भक्त है। ये जलती हुई अग्नि ही अग्नि नहीं है, इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे जठराग्नि और ज्ञानाग्नि। जठराग्नि में अन्न की आहुति देने से चेतना बनी रहती है और ज्ञानाग्नि से उसमें और प्रकाश फैलता है। अग्नि कब पैदा हुई थी? अनादिकाल से है। अग्नि किस देश की अधिष्ठाता है? सार्वभौम है। तो एक अनादि अनंत सार्वभौम सत्ता, जिसे हम अग्नि के नाम से इसलिए कहते हैं कि वो ऊर्जा है और चेतन ऊर्जा है। भारत के गांव में अब भी जो कोई महिला ये कहना चाहती है कि अग्नि जलाओ, तो ये नहीं कहती है, कहती है अग्नि चेताओ। समझें इस बात को, नहीं, अग्नि जलने की चीज नहीं है, चैतन्य के जागृत होने की चीज। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। गृहस्थ अग्नि में देवताओं को पूजते हैं और योगी धूनी रमाते हैं। अंदर और बाहर की अग्नि में समरूपता लाते हैं। अग्नि का ही एक नाम भारत है, यज्ञ करने वाले लोग भरत जन थे। अग्नि जहां सदा प्रतिष्ठित रहता है वो स्थान भारत हो गया। अभी हाल तक भारतीय महिलाएं अपने चूल्हे की आग को बुझने नहीं देती थी। तो कहती है अग्नि चेताओ, सो गई है, हम सब में जो चेतना है वो सो गई है, और हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे जड़ हैं, जैसे हम यंत्र हैं। मंत्र उसे जगाता है, मनन की शक्ति मंत्र है। तो क्या कह रहा है ऋषि? ये विश्वामित्र ऋषि है। किस देश का मित्र है? विश्व का मित्र है। अग्नि किसी एक देश की नहीं, किसी एक काल की नहीं, इसका उपासक किसी एक देश का नहीं। आश्चर्य होता है
अभी भूमंडलीकरण की बात तो अब हम करने लगे हैं, कैसा रहा होगा वो ऋषि जिसने अपना असली नाम तो छिपा लिया शायद, और ये संदेश देना चाहा कि मैं सबका मित्र हूँ और मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ जो चेतना है सब में, और उस वो चेतना पुरोहित है, अदृश्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देती है। मुझे चेतना मनुष्य में दिखाई देती है इतनी बात नहीं है, पशु पक्षी में दिखाई देती है इतनी बात नहीं है, पेड़ पौधों में दिखाई देती है इतनी बात भी नहीं है, मुझे वह चेतना पत्थर में भी दिखाई देती है। इसलिए माग्नी की स्तुति करूं तो, वायु की करूं तो, सूर्य की करूं तो, जल की करूं तो, चेतना की ही उपासना है। हमारी सोई हुई चेतना सूर्य के साथ उदित होती है, सूर्य ही हमारा भरण पोषण करता है, इसीलिए सूर्य को भरत कहा गया है और इसीलिए सूर्यवंशियों का देश भारत हो गया। पूरे देश में सूर्य मंदिर थे। मुल्तान अर्थात मूल स्थान का सूर्य मंदिर बहुत विशाल था। ये श्री कृष्ण के पुत्र सांब का बनाया माना जाता था, अब ये नहीं है। जितने सूर्य मंदिर टूटे उतना ही भारत भी। इसीलिए विनाश की ऐसी घटनाओं का वर्णन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन में किया है। ये पुस्तक उन्होंने 1940 में लिखी थी। उन्होंने माना है कि 7वीं सदी में चीनी यात्री व्हेनसांग के आगमन तक तो भारत एक प्राचीन राष्ट्र था, उसमें अफगानिस्तान भी था, लेकिन 711 से 1940 के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वह एक राष्ट्र नहीं है। भारत पर लगातार आक्रमण हुए हैं, इन्होंने उत्तर भारत को कई बार शेष भारत से काटा है। ये तो धन्य हो सिखों का जिन्होंने आखिर में उसे पुनः भारत में मिला दिया, लेकिन आक्रमणकारियों के तरीकों ने भारत के निवासियों के मन को विभाजित कर दिया है। राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में आध्यात्मिक एकता, रिश्तेदारी और आत्मीयता होनी चाहिए। इन तत्वों को पैदा करने वाली प्राचीन बौद्ध और हिंदू संस्कृति केवल खरपतवार बनकर रह गई है, जबकि उनके विनाश का बीज ओक का वृक्ष बन गया है। कई लोगों के मन में उस विनाश का पश्चाताप नहीं है, उसे उचित मानकर आज भी कर रहे हैं। ये बातें लिखने के 7 साल बाद भारत टूट गया। इसीलिए जब भी कभी टूटे हुए सूर्य मंदिर को देखें तो भारत के टूटने को याद कर लेना। इन सूर्य मंदिरों को तोड़ने वालों ने ही अंततः भारत को तोड़ा है। वसुधा के कुटुंब की तरफ बढ़ने वाले पहले कदम को काटा है, हमारी चेतना को विभक्त किया है। 1947 में भारत बना नहीं टूटा है। 1947 के बाद भी पहचान मिटाई जा रही है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत की भू विविधता का वर्णन करती ये पंक्तियां रामायण से प्रेरित है। टैगोर के समय तक तो रामायण प्रेरणा थी, आजादी के बाद मार्क्सवादियों ने भारत के प्रेरणा स्रोत मिटा दिए हैं। रामायण जैसे साहित्य को शिक्षा से निकाल दिया है। शिक्षा और प्रशासन में वेदों के भारत राष्ट्र गण सभा और समिति के विचार सुनाई नहीं पड़ते। संसद का वास्तु तो मंदिर से ले लिया, लेकिन उसमें मंदिर की भक्ति नहीं है। मंदिरों में सभा मंडप बनता था, चुनी हुई समितियां यहां बैठती थी। गांवों पर मंदिरों का कल्याणकारी लोकतांत्रिक शासन भी था। यहां चुनाव पद्धति और उम्मीदवारों की योग्यता अंकित है, लेकिन सभा मंडप के सांसारिक ही नहीं दैविक और आध्यात्मिक प्रयोजन भी थे। यहीं से देवताओं को नाटक और नाच गान अर्पित किया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यहीं पर वाद भी होता था। तो सृष्टि के आरंभ से ही वाद था ही, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया कि एक परम पुरुष था
उसने अपने आप को विस्तारित करना चाहा तो दो भागों में अपने आप को विभाजित कर लिया उसी ने, तो एक से दो जैसे ही होंगे तो वाद और संवाद उनमें हो जाएगा। तो उतनी ही परंपरा पुरानी है वाद की, और उसको फिर हमारे यहाँ बहुत दार्शनिक आयाम के साथ में देखा गया कि वाद की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जो बौद्धिक विमर्श है उसके लिए तो आवश्यकता है ही। तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कि डिबेट को लेकर के शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, डिबेट की जो थ्योरी है उसको लेकर के कई कई ग्रंथ लिखे गए, और न्याय दर्शन तो पूरा वाद शास्त्र ही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहना चाहें तो फिर डिबेटोलॉजी कहेंगे, क्योंकि दूसरी भाषा में तो इस तरह का कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ तो वाद शास्त्र शब्द हो गया, वाद पूरा एक अलग चिंतन का प्रस्थान ही हो गया। तो गौतम मुनि ने न्याय सूत्र में जो 16 कैटेगरीज बताई हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन तर्क सिद्धांत अवय अवय छल जाति निग्रह, ये जो 16 पदार्थ हैं इनका अभ्यास करता जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उनकी जो सारी 16 कैटेगरीज हैं वो सब वाद की ही कैटेगरीज हैं। तर्क है उसमें, अनुमान है, अनुमान में पंचावय वाक्य होता है, तो बहस जब करते हैं तो पंचावय वाक्य कैसे बनेगा, प्रतिज्ञा हेतु उपनय दृष्टांत और निगमन, इनसे हम तर्क करते हैं। तो मेरी हाइपोथेसिस ये है, उसके लिए उदाहरण में ये दूंगा, उसमें फैलेसी ये हो सकती है। तो ये सारी बहुत जटिल व्यवस्थाएं उन्होंने जो वाद की बनाई, उसमें निग्रह स्थान है, तो उसमें उन्होंने करीब करीब 20 निग्रह स्थान बताए और 22 निग्रह स्थान और 24 जातियाँ उन्होंने बताई। तो गलत उत्तर प्रतिवादी यदि देता है तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी सारी कैटेगरीज उन्होंने बताई। तो ये वाद शास्त्र हमारे यहाँ विकसित किया गया, उसके द्वारा ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने बताना चाहा कि बहस को भी हम उपयोग कर सकते हैं समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए और संवाद में परिणत करने के लिए, क्योंकि जो वाद है सच्चा वाद तभी होगा जब वह संवाद में परिणत होगा, और संवाद में परिणत होगा तो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा, क्योंकि चित्त पवित्र होकर के दो लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, वह हमको संस्कारित करके और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो ये एक बड़ी संपन्न परंपरा है। एक किताब, एक संदेशक, एक ईश्वर और उसको मानने वाला एक जैसा जन समूह है, कभी भी भारत की विशेषता नहीं रही। अनेक किताबें, अनेक सिद्ध, अनेक नास्तिक और आस्तिक दर्शन और उन पर अनवरत शास्त्रार्थ, भारत में गणराज्य नहीं होते तो आश्चर्य होता। भौतिक शासन में गणतंत्र हो और अध्यात्म में न हो, ऐसी खंडित दृष्टि भारत की नहीं थी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ को गणतांत्रिक बनाया क्योंकि यही संस्कृति थी। संभवतः ये संस्कृति सिंधु नगरों में भी थी। सिंधु सारस्वत प्रदेश ही संभवतः विश्व का प्राचीनतम, विशालतम और लंबे समय तक रहने वाला गणराज्य था। See, we do not have any evidence of the, you know, kingdom system because we have not found palaces anywhere. If the palaces were there, they would have been at 5 cities which have been excavated. We have no evidence. Neither we have the evidence of the royal burials. It is there in Patin, Mesopotamia and Egypt. So that means, you know, that, you know, they had a different system altogether. And always I believe that, you know, probably they had something like system like, you know, panchayat system, but, you know, group of people maybe from the village or the city, they were maybe managing the affairs of the city. And they have gradually earned this, you know, prosperity gradually. And then, you know, once it is, you know, that system has developed, then perhaps, you know, everybody was content and everybody knew that, you know, this is his limit, but he should not cross the limit. And there is a very strong evidence about the peace-loving Harappan people. Then there is also mention about the, you know, Agni Puja, the fire worship, you know, carried out by people along the river banks. And only sites located in this part, like Kalibanga, for example, which was excavated by Bibi Lal, or Rakhigadi, which we have excavated. So only sites located in these parts have provided the evidence of fire worship only. जहाँ अग्नि पूजी जाती थी, वहाँ कभी सरस्वती बहती थी। वेदों और पुराणों में सरस्वती की भावपूर्ण स्तुति है। ये नदी है, देवी है, इसका स्वरूप ज्ञानमय है। इसके आसपास बसा ये सारस्वत प्रदेश
कभी उत्तर और दक्षिण भारत का ज्ञान केंद्र रहा होगा। इसीलिए आज पूरा भारत अपनी खोई हुई सरस्वती को ढूंढता है। सरस्वती की एक संज्ञा भारती भी है। ज्ञान की देवी के पीछे जिसका नामकरण हुआ वो भारत आरंभ से ही एक ज्ञान संस्कृति रहा है। ज्ञान की ज्ञातियों ने अर्थात जातियों ने भारत के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा, इसीलिए वह सबसे लंबे समय तक सबसे धनी देश रहा है। सबसे ऊंचा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म देश और भारत पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि और ज्ञान ये भारतीय सभ्यता के प्राचीन किनारे हैं। एक किनारा ईरान था, दूसरा तिब्बत। जब इन किनारों पर आघात हुआ तो अग्नि लेकर आए पारसी और ज्ञान के ग्रंथ लेकर आए पूज्य दलाई लामा। इन दोनों ही घटनाओं में भारत ने अपनी सांस्कृतिक जमीन खोई है और विश्व मानव ने अपनी सांस्कृतिक निरंतरता। संस्कृति की निरंतरता ही मैन को मैन बनाती है। मैन शब्द मनु से बना प्रतीत होता है। मनन के कारण ही भारत का पहला राजा मनु था। प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और उनका देश भारत। ऋग्वेद से संकेत मिलता है कि मनु के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी और पुत्री इला के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। मनु की बेटी के वंश में ही आगे चलकर शकुंतला के पुत्र भरत हुए। भरत की माँ बहुत सुंदर थी, अप्सरा की संतान थी, परंतु अप्सराएं कहाँ बच्चे पालती है। मेनका छोड़कर चली गई। ऋषि कर्ण के आश्रम में वह पक्षियों के गिराए फल खाकर बड़ी हुई। पक्षियों ने पाला, इसलिए नाम हो गया शकुंतला। माँ को पक्षियों ने पाला और बेटे को शेरों ने। ऐसा अद्भुत संयोग संसार में दूसरा नहीं है। शायद भरत अद्वितीय रूप से पराक्रमी थे, इसीलिए पूरे भारत ने उनके नाम को अपना लिया। स्वतंत्र और संस्कारवान बेटियां पराक्रमी संतानों को जन्म दे सकती है। पिता की अनुपस्थिति में बेटी ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, जरा आंसुओं से भीगे पिता का आशीर्वाद सुने। खिली कमलनियों से भरे सरोवर तेरे मार्ग में विश्राम दें, धूप की गर्मी को घने पेड़ों की छाया रोके रहे। रास्ते की धूल तुझे उतनी ही कोमल मिले जितना कमलों से उड़ा पराग। शीतल मंद पवन तेरी अनुकूल दिशा में बहती रहे, मार्ग तेरा सदा मंगलमय हो। महाकवि कालिदास के ये बोल हमारे हृदय में सदा गूंजते रहें। हे भरत की माँ, हे भारत माँ, हम तो नहीं रहेंगे परंतु वैभव तेरा सदा अमर रहे माँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके छोटे भाई थे बाहुबली, उन्होंने भरत को भी हरा दिया। बड़े भाई को हराने की तीव्र आत्मग्लानि से भर गए। मन के तीव्र संवेग समाधि ला सकते हैं। संसार छोड़ दिया, वन में आकर कायोत्सर्ग की योग मुद्रा में निश्चल खड़े हो गए, हिले नहीं। शक्तिशाली योद्धा में ऐसी दृढ़ता हो सकती है। शरीर पर लताएं चढ़ गई। संसार त्याग के उस कार्य की वंदना भरत ने अपने छोटे भाई के चरणों में लौट कर की। भारत ने हमेशा ही त्याग और तपस्या की आरती उतारी है। ध्यान में डूबे हैं प्रभु, ध्यान में डूबे हैं, इन्हें पुकारो मिलके, इन्हें पुकारो मिलके, श्री धाम की आरती पुकारो मिलके।
संसार त्यागने से ज्यादा कठिन कार्य संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त भाव से राज्य करना है। एक राजा भरत ने 14 साल तक उसे करके दिखा दिया। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत, भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये 3 आदर्श छुपे हुए हैं। इसलिए प्राचीन भारतवासी दंभी नहीं थे, वे दूसरे देशों के भूगोल और निवासियों के सौंदर्य का वर्णन बहुत उदारता से करते हैं, लेकिन आचरण और शौच के विषय में वे निश्चय ही अभिमानी थे। ये अभिमान निराधार नहीं था। कई विदेशी यात्री, मुगल और ब्रिटिश विद्वान लिखते हैं कि भारतीयों या हिंदुओं का नैतिक स्तर दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। 2000 साल पहले स्ट्रैबो ने लिखा है, भारतीय इतने ईमानदार हैं कि उन्हें अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं है और न ही अपने करारनामों को पक्का करने के लिए किसी लेख की आवश्यकता है। उसके 200 साल बाद एरियन ने लिखा है, कोई भारतीय असत्य बोलने के लिए कभी नहीं जाना गया। मार्को पोलो लिखता है कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये ब्राह्मण संसार के सबसे सच्चे और श्रेष्ठतम व्यापारी हैं। इस संसार की किसी चीज के लिए ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब्दुल फजल लिखता है कि हिंदू सत्य के प्रशंसक हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर जनरल सुलिवन ने लिखा है, मेरे सामने सैकड़ों ऐसे मामले आए जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति, जायदाद, स्वतंत्रता और जीवन केवल एक झूठ पर निर्भर था, लेकिन उसने वो झूठ बोलने से इनकार कर दिया। मैक्स मूलर ने लिखा है कि ये सत्य के प्रति प्रेम ही था जो भारत के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को यहाँ के निवासियों के राष्ट्रीय चरित्र का प्रमुख लक्षण जान पड़ा। युआन च्वांग ने लिखा है कि भारत में अपराध कम हैं और अधिकतम दंड देश निकाला है। एक राज्य संभवतः ऐसा भी था जहां दंड दिया ही नहीं जाता था, लेकिन इसमें बिना आचरण की परीक्षा के बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। भारत के लोग स्वतंत्रता का आनंद लेते थे क्योंकि जीवन के प्रथम चरण में ही वे इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण पा जाते थे। संयोग नहीं है कि आचरण को यम और शौच को नियम के रूप में पतंजलि ने योग का प्रथम चरण माना है। ये भी संयोग नहीं है कि भारतीयों की कालगणना में जो कालचक्र हैं, वे मानव की नैतिकता में उत्थान और पतन के चक्र हैं। आचरण और शौच की उत्कृष्टता ही मनुष्य को आर्य बनाती है। आर्यत्व आचरण की श्रेष्ठता है और ये भारत की और हिंदू मानव की अद्वितीय पहचान रही है। राजा हरिश्चंद्र केवल भारत में सुने गए हैं। मात्र सपने में लिए संकल्प के लिए सर्वस्व त्याग की बात और किसी सभ्यता में सोची भी नहीं गई। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए, ऐसे राजाओं के कुल केवल भारत में देखे गए हैं। भारतवासी आर्यत्व को 3 स्थानों में देखते थे, अपनी भूमि जिसे वे भारत या आर्यावर्त कहते थे, श्रेष्ठ आचरण जिसे वे धर्म कहते थे और श्रेष्ठ शुद्ध वाणी जिसे वे संस्कृत कहते थे। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध। भाषा की तार्किकता, वैज्ञानिकता और शुद्धता के संस्कृत शिखर को मानव की कोई अन्य संस्कृति आज तक नहीं छू पाई है। योगियों ने अपने गहरे अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए इसे परिष्कृत किया है। ये योगी के डमरू से निकली है और योग केवल भारत में मिलता है। ज्ञान पाने के लिए दूसरे देशों के लोग भारत आते थे। ये स्वाभाविक है कि विदेशों में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। भारत की जितनी प्राचीन और समृद्ध संस्कृत परंपरा किसी देश में नहीं मिलती। महर्षि पाणिनि ने ये कहा कि ये संपूर्ण विश्व की भाषा है और इसीलिए जो है भगवान मनु ने हाथ उठा करके सबको आमंत्रित किया
कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमारे पास ज्ञान की ऐसी थाती है कि सारी दुनिया को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो लोग आए और अपने अपने कुल खानदान की जो विद्या हो, शिल्प हो, उसकी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार की शिक्षा है। संस्कृत भारत की सबसे लंबे समय तक संपर्क भाषा रही है, उसी से वर्तमान संपर्क भाषा हिंदी निकली है। श्रेष्ठ को हर कोई अपना कहता है, लेकिन संस्कृत की उत्पत्ति को भारत के बाहर मानना भारत की लंबी भाषा परंपरा के प्रति एक क्रूर मजाक है। विदेशी भारत को हिंदूस, इंडोस और शिंतु कहते आए हैं और यहाँ के निवासियों को हिंदू। करीब 300 ईसा पूर्व में ग्रीक लेखकों ने पूरे भारत को इंडिया कहा है। ये निश्चित है कि उसी काल में ईरान के राजा दारा ने भी केवल सिंधु सौवीर जनपद को ही हिंदुस्तान नहीं कहा। भारत में आने के दो ही मार्ग थे और वे सिंधु नदी पर खुलते थे, इसीलिए ये नदी विदेशियों के लिए भारतीयों का प्रतीक बन गई। अपनी अखंड दृष्टि के कारण हिंदुओं ने नदियों को मां कहा। उन्होंने जाना कि अन्न हमारी चेतना का पोषक है और नदियां उस अन्न की। ये सिंधु और ये अन्न के खेत और उस पर खड़ा ये मठ सिंधु धर्म के सनातन प्रतीक हैं। सिंधुत्व या हिंदुत्व किसी भूतकाल में लिखी गई किताब का रिलीजन नहीं है, भारत की जीवित संस्कृति है। हिंदुओं के श्रमण और वैदिक सभी संप्रदायों में भारी तात्विक अंतर था। सब में आपसी प्रतियोगिता थी, तनाव भी था और अपवाद स्वरूप कुछ हिंसा के भी प्रमाण हैं। लेकिन आपस में व्यापक नरसंहार का एक भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि जीव दया के ऊंचे धर्म को सब मानते थे, धर्म के समान सिद्धांतों से जुड़े थे। इसीलिए जैनों में वैष्णव है और वैष्णव जैनों के ही समान शाकाहारी थे। वैदिक मंदिरों में बुद्ध और जैन तीर्थंकर आज भी देखे जा सकते हैं। श्रृंगेरी के इस शंकराचार्य मंदिर में जैन तीर्थंकरों को श्रद्धापूर्ण स्थान मिला है। रणकपुर के ये जैन मंदिर शिव भक्त राणा सांगा के सहयोग से बने हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधुओं को भिक्षा देने में लोग भेद नहीं करते थे। साधुओं के लिए मठ और गुफाएं भी एक साथ ही बनाते थे। एक वैदिक सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपने बौद्ध राजा बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बन गया। उसी के पुत्र अग्निमित्र ने इस बौद्ध स्तूप को और भव्य बनाया। महाराज हर्ष मूलतः शैव थे, परंतु बौद्ध धर्म का पोषण करते थे। योग का दर्शन सांख्य ही भारत का प्रमुख दर्शन है। स्वयं मार्क्सवादी विद्वान मानते हैं कि सांख्य दर्शन आदिवासी समाजों में उत्पन्न हुआ। आदिवासियों के हिंदू धर्म को अथर्ववेद में देख सकते हैं। हिंदू धर्म ऋषियों से प्रचलित धर्म है। ऋषि अनेक थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, इसीलिए हिंदू धर्म में विविधता है। योग के कारण भी हिंदू धर्म में विविधता है। योग के दर्शन सांख्य के अनुसार संसार में पुरुष अनेक हैं और प्रकृति निरंतर रचनाशील। परिवर्तन, नवीनता और विविधता प्रकृति का नियम है, इसीलिए हिंदू धर्म में परिवर्तन, नवीनता और विविधता सदा से रही है। यही विविधता भारत की पहचान है और यही योग की भी। कभी उसमें कर्म प्रमुख था तो कभी ज्ञान, कभी भक्ति तो कभी आसन, कभी योग मंत्र था और कभी तप। शायद तप से भी पहले वह केवल ऋत या सत्य था। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम्। ऋत्विजम् वो ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। ये भारतीय संस्कृति का डायनेमिज्म है। विदेशियों के मन में योग और भारत दोनों की विविधता भय पैदा करती है।
उनको एक ईश्वर, एक किताब और एक संदेशक की आदत है। वे विविधता को बिखराव समझते हैं। यहाँ विविधता बिखराव नहीं, जीवन का रस है। जिस प्रकार पेड़ का हर पत्ता भिन्न है परंतु एक जैसे रसों से संपोषित है, जिस प्रकार पेड़ अनेक हैं परंतु समान वन तंत्र से संपोषित है, उसी प्रकार संप्रदाय अनेक थे परंतु योग के समान अंगों से संपोषित थे। बाहर से बिखराव दिखने वाले योग में आंतरिक एकता है। कोई भी कर्म या ज्ञान तभी योग माना जाता है जब उसमें चित्त की एकाग्रता हो। चित्त की वही एकाग्रता योग मानी जाती है जिसमें आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्रकाश ना हो। अभ्यास और वैराग्य, तप और ध्यान, आसन और शौच एक ही अर्थ में सभी संप्रदायों में थे। यही वे तत्व हैं जो एक हिंदू को हिंदू बनाते हैं। आचरण में ये बातें ही उनको प्राचीन काल में यमन, शक, हूण आदि से अलग पहचान देती थी और मध्य काल में अरब और तुर्कों से। प्राचीन भारत में रिलीजन ही नहीं था तो हिंदू रिलीजन कहाँ से आता? जिन्हें आज हम हिंदू कह रहे हैं वे प्राचीन काल के विश्व मानव हैं। हिंदू संस्कृत के शब्द सिंधु से निकला है। वेद में सिंधु माँ ही है। उस नदी रूपी माँ का मातृभाषा संस्कृत का नाम भारत माँ को मिला। इस तरह हिंदुस्तान नाम में भी भारत पृथ्वी के ही मातृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि वेद से लेकर आज तक हिंदू मानव की विश्व मानवता हिंदुस्तान नाम में भी सुरक्षित रह गई। वेद से लेकर आज तक हिंदुओं का नदी पूजन का भाव नहीं बदला, प्रकृति पूजा का धर्म नहीं बदला। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो प्रकृति पूजक हिंदुओं के रहने का स्थान है, उसी को प्राचीन ग्रीकों ने इंडिया कहा, उसी को वास्को डिगामा ने खोजा, उसी पर अंग्रेजों ने राज किया और उसी हिंदुस्तान पर इस्लामिक स्टेट बना दिया। उसी की पहचान मिटाने के लिए आज दक्षिण एशिया कहा जा रहा है। ये संस्कृत भाषा के प्रभाव का, ये धर्म की संस्कृति का और ये मौर्यों के राज का भारत है। आज कोई ये बात बताता नहीं कि भारत ने कितना भारत खोया है। भारत भूमि और योगी का शरीर अलग नहीं है। सिद्ध और योगी इस भूमि पर निर्बाध विचरण करते थे। पर्यटन तो एक उपभोक्तावादी व्यवहार है। भारत के अलग अलग ऊर्जा स्थलों का तीर्थाटन साधना की प्रधान प्रवृत्ति रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इस भारतवर्ष में सदा विराजमान रहता हूं। 1947 में जो लोग टेबल पर बैठकर रेखाएं खींच रहे थे उनको विष्णु या देश के किसी आध्यात्मिक स्वरूप में विश्वास ही नहीं था। उनके लिए राष्ट्र एक भौतिक आवश्यकता थी, इसलिए उनको थोड़ी ही दूर पर गुरु नानक जी का जन्म स्थान याद नहीं आया। राष्ट्र निर्माण में वे आचार्य शंकर के योगदान को नहीं जानते थे। वे शारदा पीठ और लाहौर का महत्व ही नहीं जानते थे। वो कैसा हिंदुस्तान बना जिसमें न सिंधु है, न गंगा सागर और न ही कैलाश। भारत के मस्तिष्क में कैलाश है, चरणों में भी कैलाश है और भारत की गोदी में भी कैलाश ही किला है। और कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है। योग का भारत स्वरूप शिक्षा में बताया नहीं जाता। पुराणों की भारत परिभाषा शिक्षा में बताई नहीं जाती। पुराणपंथी शब्द को घृणास्पद बना दिया, इसीलिए भारतीयों ने आसानी से कैलाश दे दिया, भारत का सहस्त्रार ही दे दिया, भारत भूमि का आध्यात्मिक उत्कर्ष बिंदु खो दिया। यहां से लेकर वहां तक योगियों की निर्बाध गति ही कुमारी और शिव का संवाद था, वह समाप्त हो गया। योग भूमि की चेतना को अवरुद्ध करके मानव अपनी चेतना को कैसे जगाएगा? विश्व के सभी योगियों का देश भारतवर्ष है। सभी इस देश में निर्बाध विचरण करें तथा इसके इतिहास और संस्कृति को जानें।
मानव के लिए दूसरी भोग भूमियां है, लेकिन भारत आत्मोद्धार की कर्म भूमि है। आत्मोद्धार का कर्म करने वाला ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे ही थे। उन्होंने वृक्ष के तने की ऊर्जा का सहारा लिया था। वृक्ष के तने में द्रव्य ऊपर की ओर गतिमान है, वृक्ष ऊर्ध्वरेता हैं। संपूर्ण भरतखंड भी ऊर्ध्वरेता माना जा सकता है। समुद्र में जिसके चरण हैं और पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर जिसका भाल है, ऐसी ऊर्ध्वरेता भूमि दूसरी नहीं है। उत्तर की ओर सरकने वाला भरतखंड सबसे गतिमान खंड रहा है। हो सकता है प्रकृति के इसी व्यवहार ने भारतीयों में ऊर्ध्वरेता होने की तकनीक योग पैदा कर दी हो। इन दो प्लेटों के टकराने से धरती की अद्भुत घटना घटती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे ऊंचा पर्वत पैदा होता है, जिसका नाम है हिमालय। हो सकता है अपनी ऊर्ध्व गति के कारण ही हिमालय योगियों का रमणीय हो गया हो। हिमालय साधारण पर्वत नहीं है, ये विशालतम पर्वत संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु का केंद्र बिंदु है। यहीं से पृथ्वी की जलवायु निर्धारित हुई है और होती रहेगी। हिमालय ने भरतखंड को तीन ऐसे रत्न दिए हैं जो दूसरे भूखंडों के पास नहीं है। पहला मानसून, दूसरा उर्वरकता और तीसरा अध्यात्म। मानसून मेघ यहीं उतरते हैं। शायद वे धरती के मुकुट पर तिलक लगाने आते हैं। हिमालय से टकराकर भारत भूमि पर बरस पड़ते हैं। ये धुंध नहीं, मेघ है। इस समय हम मेघ के आलय मेघालय में हैं। यहाँ संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की भूमि का ऊर्ध्वगमन आध्यात्म का पोषक है और इसकी नदियों का निम्न गमन भौतिक जीवन का। इतना जन घनत्व विश्व में कहीं नहीं पनप सकता, पीने का इतना पानी कहीं नहीं है। विशालतम पर्वत श्रृंखलाएं मेघों के साथ विशालतम मिट्टी का कटाव पैदा करती हैं और तब बनते हैं तीन तीन फसलें देने वाले विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान। तत्व चिंतन वही करेगा जो भोजन की चिंता से मुक्त हो। भगवान बुद्ध कभी कभी हजारों सन्यासियों को साथ लेकर गांव में भिक्षा मांगते थे।
कई स्थान ऐसे थे जहां भिक्षा भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। फलदार वृक्षों से घिरे सुंदर सरोवर थे। फलहार करो, पानी पियो और तत्व चिंतन करो। नेमिषारण्य कभी ऐसा ही स्थान रहा होगा। प्राचीन भारतीय मानते थे कि भारत के भौतिक रूप को देवयुग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया है। चारों ओर से सुरक्षित ऐसी भूमि दूसरी नहीं है। छह ऋतुओं का अनुभव भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यही स्वर्ग है और यही मुक्ति भी। प्रकृति ही चित्त में विश्वास का ये संस्कार उत्पन्न कर सकती है कि पृथ्वी एक कुटुंब है, छीना झपटी करने की आवश्यकता नहीं। The forest representing Vedic and Indian civilization and the desert representing the Abrahamic civilization. These two are very appropriate metaphor for the contrast for the between these two. Not only as metaphor but even reality is like that. Because, you know, in a forest, you have a lot of diversity. You have so many kinds of species, plants, animals, new things coming, old things evolving. They are all interdependent. So our civilization is like that. So many types of thought, cultures, traditions emerging, not fixed, and interdependent, flux, change. So this is the character of the forest. You go to a forest one day and you take a photograph. If you take a very detailed photograph, you will see a certain kind of quality of plants and whatnot. Next day it rains, you come back and new things have come. You go back a little bit later, some of those things have died. So the change is always there. It's dynamic. It's also open architecture in the sense that it's hospitable to new things. Some animals migrated in, you know, something happened and this becomes their home also. Desert is not like that. In a desert, things are more static. There is not that much changing. Basically, not much grows there. And if you go day after day after day, you'll see the same sand and few things like that. Nor is there an overabundance of life. You don't have such a large diversity of things that can live there, whether it is plants, whether it is animals. In fact, the desert people crave for greenery. When they find an oasis, they're very happy. The forest people, the whole thing is like an oasis. So this is why I feel that some of these desert people, they have green flag because that's their fantasy, green, because they don't have it. You see, so in our case, we have green because that's how the civilization starts. Now the desert people, because there's scarcity, there's anger, there's violence, there's I need to grab your stuff, that kind of thing. Whereas in the forest, there's plenty. There's plenty for you, there's plenty for me, because there's overabundance. Forests are rich. Deserts are poor. Desert people are always looking for a forest somewhere. So for them, it's very exciting. Somebody discovered a forest, let's go plunder it. Somebody found a rich place, lot is happening there. We don't have it, let's go and plunder it. Whereas the forest people are very content. They have no reason to go wandering and plundering. Forest people not interested in conquering the desert. Desert people very interested in conquering the forest. भारत की प्रकृति को देखकर ही भारतीयों ने धरती को माँ कहा है। ये धरती सिर्फ माँ ही नहीं है, ये योगी है। अभिनव गुप्त ने कहा था कि संसार का बीज उग सके, इसके लिए मूलाधार बनकर आदि योगी ही धरती के रूप में स्थित हैं। वेद कहता है हिरण्यगर्भ सूर्य प्रथम योगी हैं। हम ऐसे तेजस्वी से कैसे योग सीखेंगे, हमें तो धरती माँ का नीला आंचल ही प्रिय है। अथर्ववेद का ये भूमि सूक्त पर्यावरण का सबसे लोकप्रिय विचार है। लेकिन ये केवल विचार नहीं था, यज्ञ की उपलब्धि थी। जो यज्ञ करता है वो वास्तव में ही मानता है कि पृथ्वी मेरी माँ है
और मैं उसका पुत्र। एक बार यदि कोई उस पृथ्वी सूक्त को पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि उसके पास हृदय नाम की कोई वस्तु होगी, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे वह किसी भी पंथ या धर्म का हो, लेकिन अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को पढ़ करके वो हिंदुत्व की दृष्टि को अच्छी तरह से पहचान सकता है। इतना अद्भुत वो सूक्त है, उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ तो सारी दुनिया जानती है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याह। ये उस मंत्र का एक अंश है, ये पृथ्वी जो है मेरी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जब ये बात हमारा ऋषि कहता है तो उसके सामने कौन सी पृथ्वी है। क्या वो पृथ्वी वही है जो कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश चापि दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, क्या उसी पृथ्वी की चर्चा कर रहा है। कुछ मंत्र भारत से मिलते हैं उसके, लेकिन जब तक आप सप्तक द्वीपा पृथ्वी को सामने नहीं रखेंगे आप पृथ्वी सूक्त के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। और ये भावना केवल इंडियन की नहीं है कि पृथ्वी मेरी माँ है मैं उसका बेटा हूँ, बल्कि यह भावना जो है संपूर्ण विश्व के प्रति है, क्योंकि भारत ने जो है अपने को संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि माना है सदा सदा से। यदि ऐसा वो न मानता, अपने को रिप्रेजेंटेटिव न मानता सारी दुनिया का, तो कभी न कहता कि कृणवंतो विश्वमार्यम, कि सारी दुनिया को हम अपनी तरह आर्य बनाने का संकल्प लेते हैं। वो कभी न कहता कि सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा, ये जो संस्कृति हमने बनाई है ये पहली संस्कृति है, हमसे पहले किसी ने संस्कृति की कल्पना नहीं की, और ये जो संस्कृति हमने बनाई है ये कैसी है, विश्ववारा, विश्वम वारयते रक्षति इति विश्ववारा, जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ है, ऐसी संस्कृति केवल भारत ने बनाई। क्योंकि तुमने जो संस्कृति बनाई उससे तो तुम अपने कुटुंब और कबीले की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, दुनिया की रक्षा क्या करोगे। लेकिन हमने जो संस्कृति बनाई है, हमारी संस्कृति में ऐसे गुण हैं कि हम केवल ये दो समुद्रों से घिरी पृथ्वी का ही नहीं, संपूर्ण विश्व की पृथ्वी का हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं जहां संपूर्ण विश्व जो है एक नीड, एक घोंसला बन जाता है। घोंसले की जो परिकल्पना है वो इसीलिए है कि घोंसले में अकेला एक पक्षी नहीं रहता है, घोंसले में जो है नर माता दोनों रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं उसमें, और घोंसले में रहने का सलीका चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि उसमें से बदमाशी करने वाला बच्चा है और एक बार भी वो नीचे गिरा तो दोबारा कोई उठा उसको रखने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस पृथ्वी पर रहने का सलीका चाहिए। मानव सचमुच ही पृथ्वी को माँ की तरह प्रेम व आदर करने लगता है। जब हम उठे बैठे और चलें तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ को चोट न लगे। शायद इसीलिए वनवासी वैदिक लोगों के पुरातात्विक पदचिन्ह नहीं है। वनवासी कर्णव अपनी बेटी को विदा करते समय वृक्षों से कह रहे हैं, जो तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आभूषण पहनने का प्रेम होने पर भी स्नेहवश तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारी नई कली देखकर जो आनंद विभोर हो जाती थी, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसे विदा करो। वृक्षों के प्रति प्रेम के यही संस्कार हजारों साल बाद विज्ञान को चुनौती देते हुए फिर उठ खड़े हुए। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी के समक्ष एक प्रयोग किया, वृक्षों में जीवन होता है या नहीं। दो उद्देश्य थे, पहला वे भारत की इस छवि को तोड़ना चाहते थे कि भारत सपने देखने वालों का देश है, दूसरा वे पश्चिम के भोगवादी विज्ञान की दृष्टि को व्यापक बनाना चाहते थे।
इस प्रयोग की सफलता पर भाव विभोर होकर टैगोर ने उनको पत्र लिखा। सिंधु के पार विज्ञान के मंदिर में बैठे हे मेरे मित्र, तुमने एक गरीब माँ के गले में विजय का हार पहनाया है। आंसू भरे नेत्रों से भारत माँ तुम्हें आशीर्वाद भेजती है। पश्चिम के विख्यात विद्वानों के बीच बैठे मेरे भ्राता, ये शब्द केवल तुम्हारे कानों तक पहुँच सकते हैं। टैगोर के पत्र का बोस ने उत्तर दिया, मैं धरती माँ की जीवनी शक्ति से जीवित हूँ। मेरी समृद्धि मेरे देशवासियों के प्रेम की ऋणी है। जिस यज्ञ की ज्ञानाग्नि को भारतीयों ने युगों युगों से जलाए रखा, लाखों भारतीयों ने अपने जीवन से जिसकी रक्षा की, उसकी एक छोटी सी चिंगारी मेरे माध्यम से इस देश में पहुंची है। भारत का ज्ञान पश्चिम में पहुंचा, शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने 1789 में पहला अनुवाद किया। 12 भाषाओं में 46 अनुवाद केवल 100 साल के अंदर पाकर यूरोप चकित रह गया। अब कला अरस्तु केंद्रित नहीं रही, सौंदर्य के नियम बदल गए। शाकुंतलम ने ग्रीक या किसी भी देश की कला को बोना बना दिया। खूब प्रशंसा के साथ शकुंतला को प्रकृति का बालक कहा। किसी भी नाटककार ने शकुंतला के बालक भारत को बचाने की बात नहीं की। इंद्रिय लोलुप लोगों को सुंदरियों के हाथ में बच्चा नहीं चाहिए। भारत का विनाश और भारतीय ज्ञान का उपभोग एक ही काल में एक ही जाति ने किया है। तब से संस्कृत और भारतीय ज्ञान एक उपभोग की वस्तु होकर रह गई है। उसी उपभोक्तावाद ने 100 साल में ही धरती के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रकृति से संवाद की संस्कृति खोकर हम कह रहे हैं कि हमने विकास किया। जब से हमने मिट्टी को छोड़ा है, हमारी कलात्मकता मिट्टी में मिल गई है। हवा और बरसात प्रकृति मिटाती रहती थी। दिवाली, होली और शादी जैसे उत्सवों पर नित्य नवीन प्रयोगों के साथ ये बनाती रहती थी। सीमेंट के आगे प्रकृति तो हारी गई, हम भी हार गए। उसकी कठोरता के कारण हृदय के दहराकाश में कला के फूल खिलना बंद हो गए हैं। कला की निरंतरता ही मनुष्यता है। अब आप ही बताएं, हमारा विकास हुआ है या पतन?